सुपर स्ट्राइकर्स के लिए नया खिलाड़ी ब्रेंडा शेक बाहर आ रहा है। वो अपने शूटर को टेक्निकली से होने वाले मैच से पहले आराम करवा रहे हैं। कुछ मिनट पहले उसने कमाल का गोल किया। वैसे हो सकता है क्लाउस भी कोई कमाल दिखाए। वैसे वो एक काफी अच्छा सब्स्टिट्यूट है मैक, और अच्छा खेलने की कोशिश करता है। गुड लक मेरे दोस्त, बस बॉल मुझे पास करो, मैं सब संभाल लूंगा। टेक्निकली बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए, लो मैं आया बच्चू। शो इधर। बॉल रास्ता के पास, रास्ता से फाइटर के पास। फाइटर इस सीजन में कमाल पर कमाल किए जा रहा है। ठीक है, अब फिर से मुझे पास करो, पास करो, पास करो। क्लाउस ने मारी की कोर। स्पाइका की तरह स्कोर तो किया, पर देखो असली जश्न कैसे मनाते हैं। अब स्टार्टिंग लाइनअप के लिए तैयार हो जाओ क्लाउस। वो क्या है, जब भी मैं नर्वस होता हूँ तो मुझे छींक आती है। अब चलो देखते हैं आखिर मैं ये सही कर पाया हूँ या नहीं। यस, मेरा नया सूट प्लेयर्स को बनाएगा सुपर फास्ट, सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर ह्यूमन। चलो हो जाए एक बढ़िया सा डांस, मुझसे बेहतर और कोई भी नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सूट्स, वो तैयार है? नहीं नहीं नहीं, वो अभी तैयार नहीं है, इसकी बैटरी 90 मिनट नहीं टिक पा रही। 90 मिनट इतने जरूरी क्यों है? निकल जाओ यहाँ से। और मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा, मेरी टॉप सीक्रेट लैब का दरवाजा बंद किया करो। ये क्या है? लगता है शायद हमारे अपने सीक्रेट एडवांटेज की जरूरत ही नहीं होगी। अरे दोस्तों रुको तो, हॉलीवुड सबसे बड़े स्टार्स का घर। अब मेरे यहाँ आने से हो गया है। सुनो फाइटर। हाँ। मुझे नहीं लगता कि तुम हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार हो। ठीक है तो कौन है, कोई मशहूर फिल्म एक्टर या कोई बड़ा रॉक एंड रोल स्टार? नहीं। क्या? ओ वो क्लाउस है। अजीब अजीब अजीब। ए डूड, तुम्हें बहुत ज्यादा तैयारी करनी होगी, टेक्निकली बहुत तगड़े हैं। बताए वो लोग क्या कह रहे हैं? वो सब के सब कह रहे हैं कि इस वक्त टेक्निकली कितनी डरावनी टीम बन गई है, और वो उसे पूछ रहे हैं कि क्या वो तैयार है कैलिफोर्निया के कहुनास के लिए, या फिर वो चक टीची पर्सन को फील्ड में अपनी मनमानी करने देगा क्योंकि वो कुक है। वो कह रहे हैं कि क्लाउस एक ग्रोमैट, एक ग्रैमी, एक लाइटी है, 9 सिखिया है, 90 मिनट टिक नहीं पाएगा। अरे यार फिक्र मत करो, मुझे पता है सुपरस्टार को कैसे रहना चाहिए, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। यहाँ जरूरी पोस्टर पर चेहरा छपवाना नहीं है क्लाउस, जरूरी है कि तुम बॉल को नेट तक पहुँचाओ। मैं वो भी सिखा सकता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, इसे तो कोई नहीं सिखा सकता। डरो मत दोस्त, बहुत सारा प्रेशर होता है और तुम्हें बस थोड़ा ही वक्त लगेगा पूरे 90 मिनट खेलने की आदत डालने में। तुमने सही कहा शेख, गोल्स को भूल जाओ, क्यों ना हम पहले से शुरुआत करें, जैसे कि पहला स्टेप 1-2। हाँ वो मैं कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, तैयार हो जाओ बिग बॉ, ध्यान से देखना कि अभी क्लाउस कैसे गोल करता है।
ये हुई ना बात, मुझे पता था तुम कर सकते हो क्लाउस। नौ गिराए, कम से कम नौ, शायद सभी गिरा दिए दोस्त, आज के लिए काफी सुनो, है। सुनो क्लाउस, अरे खेल का प्रेशर है कैप्टन, वो सह नहीं पा रहा है। सब मुझसे कहते हैं सुपर सब, पर मैं तो एक डूबती हुई सबमरीन जैसा हूँ, क्योंकि मैं पूरी टीम को साथ में डुबा रहा हूँ। गलत जगह आ गया। पता है क्लाउस के बारे में सब सही कह रहे हैं, वो बेकार है, फाइटर जैसे खिलाड़ी के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। पर उसने कमाल का गोल किया था। किया नहीं, हो गया था। हमें अपने नए सूट्स कब मिलेंगे? क्या तुम पागल हो? आपका आइडिया अच्छा है, एक स्पेशल सूट बनाने का। स्पेशल? स्पेशल से भी ज्यादा है, वो पावर सूट्स मेरे आज तक के सारे आविष्कारों में से सबसे बेहतरीन आविष्कार है। वो सबसे कमजोर खिलाड़ी को भी कुछ ही पलों में एक शानदार खिलाड़ी में बदल सकते हैं। पर बस एक दिक्कत है कि कौन था? बेवकूफो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, लैब का दरवाजा बंद रखो, जाओ उसे पकड़ो। अगर सुपर लीग बोर्ड को पता चल गया कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे और फिर हमें हमेशा के लिए। मैं सही था ना, तुमने लैब का दरवाजा बंद नहीं किया था। पर कोई बात नहीं, लगता है कि हमारा चोर फंस गया है। अगर तुम टीम का हिस्सा बने रहना चाहते हो तो बेहतर होगा तुम उस चोर को पकड़ो, वरना देख लेना। एक टेक्निकली परफॉर्मेंस ऑगमेंटिंग सूट चुनने के लिए शुक्रिया। फिटिंग पूरी हुई, आपका दिन अच्छा बीता। मेरा कोई भी प्लान दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए, खास करके वो सूट। रुक जाओ, मैंने उस चोर को रुकने के लिए कहा। मुझे वो दिख नहीं रहा। जल्दी कुछ करो, हम पुलिस हैं, तुम्हें घेर लिया गया है। एक बड़ी फ्लैशलाइट, वाह क्या बात है। ये भला कौन करेगा? ये तुमने किया है, है ना? तुम्हें वो सूट्स ट्राई करने थे। नहीं बॉस। देखो तुम जो भी हो, तुम यहाँ से जितनी दूर चाहो भाग दो सकते हो, पर मुझसे बच नहीं सकते। क्या एक पंछी है, क्या एक प्लेन है? नहीं, ये तो मैं हूँ क्लाउस, बस टहलने निकला हूँ। छींक बंद हो गई। कल से मैं इसे प्रैक्टिस में ट्राई करूंगा। हे क्लाउस, चलो प्रैक्टिस करने जाना है यार। तुम डरो मत, ठीक है, आज तो तुम जरूर सबको अपना कमाल दिखा कर रहोगे। मैं अभी आता हूँ, ठीक है। मुझे लगता था मैं सबसे ज्यादा वक्त लगाता हूँ। ठीक है क्लाउस, चलो दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। तुम कर सकते हो दोस्त, मेरे दिल में अब भी तुम्हारे लिए भरोसा खत्म नहीं हुआ। ड्रिबलिंग करो। बहुत अच्छा क्लाउस। क्या बात है, इसे कहते हैं ड्रिबलिंग। वन टू दोस्त। और अब थोड़े मुश्किल मूव्स। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करवाओ कैप्टन, पता है डर के मारे आज वो कहां और कितनी देर बैठा था। मैंने तो सबको दिखा दिया दोस्त। मैंने कहा था ना क्लाउस, ये बात तुमने पहले से थी। इसका सीक्रेट क्या है क्लाउस?
सब ठीक है टोनी, आपको यहाँ आकर देखना चाहिए सारे प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। मैं यहीं से सब देख सकता हूँ, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सब कुछ कर रहे हो जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स स्टार्स को करना चाहिए। पर तुम में से किसी ने बहुत ज्यादा बुरा काम किया है, बहुत बुरा। जॉन जे जॉनसन जूनियर के पास सूट नहीं है टोनी, आप यकीन कीजिए। अगर जॉन जे जॉनसन जूनियर के पास मेरा सूट नहीं है तो किसके पास है, और भला ऐसी चीज कौन लेगा जो काम ही नहीं करती। मैच शुरू होने वाला है और चूंकि फाइटर आज खेल नहीं पाएगा, हम सब सोच रहे हैं आखिर सुपर स्ट्राइकर्स ने क्या तैयारी की होगी। हाँ, क्या क्लाउस में वो बात है जो उसे एक सुपर सब से एक सुपर स्टार बना सकती है। और असली सवाल ये है कि क्या हम आज सिर्फ सवालों वाली कमेंट्री दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं मैक। तुमने सवाल नहीं किया ब्रेंडा। तुमने भी नहीं मैक। अब देखते हैं कि आज क्लाउस क्या कमाल दिखाता है। और ये मैच शुरू, बॉल ब्लॉक के पास, लेकिन अब टेक्निकाली के पास, अब शॉ के पास, नहीं टेक्निकाली। तो चक डी चिपरसन, शायद मैंने तुम्हें कम समझा था। या शायद सही ही समझा था। कैप्टन, अभी देता हूँ दोस्त। ये मौका मेरा है, सिर्फ मेरा। और बॉल क्लाउस के पास। क्या हमने क्लाउस के बारे में गलत सोचा था? क्लाउस कमाल दिखा रहा है, पर ऐसा कैसे हो गया मैक? अब मेरा गोल पक्का है, मजाक किया। और बॉल जो के पास, बढ़िया चकमा दिया। मैक, मैक, क्या बात है, इसे कहते हैं गोल। उस पर मेरा असर हो गया है। मैं ठीक हूं। कोच ने अब तक क्लाउस को एक सीक्रेट क्यों बनाए रखा हुआ था? एक मिनट, एक सीक्रेट एडवांटेज, ये नहीं हो सकता। नया हीरो आया है मैक। सो तो है ब्रेंडा, लेकिन क्लाउस ने भी बुरा नहीं किया। तुम्हारा जवाब नहीं क्लाउस, तुम तो बेकार में ही टेंशन ले रहे थे। आज तुमने अच्छा खेला, आज खुद को साबित कर दिया और आज तुमने आसमान छू लिया। अच्छा लग रहा है ना दोस्त? शांत हो जाओ। वाह दोस्त, तुम हो कूल। काश कि मेरे दोस्त मुझे बधाई दे रहे होते, ना कि इस सूट को। हम कर सकते हैं टोनी, मुझे महसूस हो रहा है हमारी मेहनत रंग ला रही है। खामोश, किसी भी मेहनत करती जोश भरी टीम में ऐसा कोई होता है जो कि चीटिंग करता है? हाँ? नहीं चक डी चिपरसन, मैं गलत था, किसी और ने हमारा पावर सूट चुराया है। क्लाउस, वो काम करता है? नहीं, वो काम नहीं करता। बस क्लाउस अच्छा खेल रहा है। शायद वो एक अच्छा प्लेयर हो। क्या तुम लोग हुनर, कड़ी मेहनत और लगन में यकीन नहीं रखते? पर फिर भी वो सूट हमारा सीक्रेट एडवांटेज है। वो काम कर रहा है? नहीं, क्योंकि क्लाउस ने एक परफॉर्मेंस ऑगमेंटिंग सूट पहना है, वो चीटिंग है, और सुपर लीग वाले इस बारे में जरूर जानना चाहेंगे। आज अगर सुपर स्ट्राइकर्स ने हमें हरा भी दिया तो उन्हें मैच फॉरफिट करना होगा और हम जीत जाएंगे। उन्हें सिर्फ गेम फॉरफिट नहीं करना पड़ेगा, उन्हें पूरा सुपर लीग ही फॉरफिट करना पड़ेगा। टायरानोसॉरस डांस। तुमने क्या किया? ये क्या किया?
उसने मुझे ताकतवर बनाया था, मैं एक सुपर हीरो बन गया था, बुलेट की तरह तेज, ट्रेन से भी ताकतवर। वो ये अच्छी बात नहीं है दोस्त। टोनी वन ने इस सूट को बनाया है, गंदा, बहुत ही बुरी बात है। ये शर्मिंदगी। तो मैं इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है क्लाउस, और इस बात की पूरी इंक्वायरी की जाएगी क्लब और लीग दोनों की तरफ से। मुझे माफ कर दीजिए कोच। दोस्तों, अब इस माफी का कोई फायदा नहीं, तुम्हें पहले ही समझना चाहिए कोच। रुकिए, क्या किसी को सजा देने का ये तरीका तो नहीं हो सकता? ये बहुत गलत बात है शेख, क्लाउस जानता है कि उसने गलती की है। मैंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं गुस्सा हूँ। बिल्कुल, बुलेट से भी तेज, ट्रेन से भी ताकतवर। ये सुपर सूट असल में काम ही नहीं कर रहा है। तो फिर मैं इतना अच्छा कैसे खेल रहा हूँ? क्योंकि तुम अच्छे हो कोच। गेम शुरू होने से पहले ही इस सूट की बैटरी डाउन हो गई थी। ठीक है, मैं तुम्हें खेलने देता हूँ, पर याद रखो गेम के बाद एक फुल इंक्वायरी होगी। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है क्लाउस। 1, 2, 3 मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। अब तो तेरी हमेशा के लिए छुट्टी होने वाली है बच्चू। मेरा दोस्त शेख कहता है मुंह नहीं पैर ज्यादा चलाओ। हम जान गए हैं क्लाउस, अब तेरा खेल खत्म होने वाला है। और मैं कहता हूँ कहने से पहले कुछ करके दिखाओ। अब देखता हूँ कैसे बचता है। हेलो, मुझे एक चीटिंग की शिकायत दर्ज। मैचेस के लिए एक दबाएं। मैं वाकई अच्छा खेलता हूँ। पिछले हफ्ते के रिजल्ट्स के लिए 2 दबाएं, उससे पहले के हफ्ते के रिजल्ट्स के लिए 3 दबाएं। डाउनलोड करने के लिए 6 दबाएं, चीटिंग या बेईमानी की शिकायत दर्ज करने के लिए 12 दबाएं। भला टोनी वॉन इस वक्त किसे फोन कर रहा है? शायद अपनी मम्मी को ब्रेंडा, क्योंकि क्लाउस उसकी छुट्टी कर रहा है। प्लीज गोल्स करो क्लाउस। अब के लिए 2 दबाएं, परफॉर्मेंस एनहांसिंग इक्विपमेंट के लिए 3 दबाएं। और ये टाइगर की बेहतरीन के और शेख हवा में। मुझे पहले भी उस सूट की जरूरत नहीं थी और अब भी नहीं है, मैं ये कर सकता हूँ। तुम गए नीचे क्लाउस। नीचे नहीं चकल्स। बात बन गई, मेरी ट्रेनिंग काम कर गई। तुम्हारी ट्रेनिंग ने कुछ नहीं किया फाइटर। ठीक है, तुमने तो कमाल कर दिया क्लाउस। बहुत अच्छे, धन्यवाद सबको। क्लाउस वॉन शिगल, क्लाउस वॉन शिगल, क्लाउस वॉन क्लाउस। जी ऑफिसर, मैं आपकी क्या मदद करूं? मैं हूं एजेंट 1, ये है एजेंट 2, हम सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड से। मेरा नया आविष्कार आखिर काम कर ही गया। सुपर लीग से बाहर जाने की तैयारी करो स्ट्राइकर्स। अरे पर वो तो लगता है हमसे गलती हो गई है मिस्टर वॉन। क्लाउस, हमें खबर मिली थी कि यहाँ हब में कोई तो एक परफॉर्मेंस ऑगमेंटिंग सूट इस्तेमाल कर रहा है। पर तुम, मुझे पहले से ही पता था तुम इसी वक्त यहाँ हो, और तुम्हें लग रहा था कि मैं पागल हूँ। पर मुझे ये मिला। अपना सुपर सूट अपने पास ही रखो। पीएस, ये काम नहीं करता। क्या आप मुझे सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड वाले सजा देंगे? अरे नहीं, तुम्हें सुपर लीग बोर्ड सजा नहीं देगा, तुम्हें तो सजा दूंगा मैं। बचाओ। और वो भी
बहुत बड़ी। प्लान का आखिरी हिस्सा, इन छोटे छोटे प्यारे जानवरों को डाला जाए एक ज्वालामुखी में। ऐसा कहा जाता है कि खुद से बात करना पागलपन की पहली निशानी होती है, और जो कोई हमसे पंगा लेता है वो सच में पागल ही हो सकता है। स्ट्राइकर्स, तुम मेरे खूंखार निंजा शार्क से कैसे बच निकले? कोई बात नहीं, काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है। सिपाहियों, खेल खत्म हुआ पर तुम्हारा। ठीक है दोस्तों, पक्की बात है हम लोगों का कोई मुकाबला नहीं। स्ट्राइकर्स ने फिल्म जगत में अपना पहला कदम रख दिया है उनकी नई एक्शन एडवेंचर फिल्म स्ट्राइक टीम से। क्रिटिक्स का कहना है कि यह फिल्म पिछले हफ्ते की रोटी की तरह बेस्वाद और हजम करने में सख्त है, पर फिर भी इसने वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखा दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्ट्राइक टीम बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए इतनी आगे निकल जाए। ये क्या किया? हाँ, और सबसे खास हिस्सा तो अभी आना बाकी था मेरा। तुम सबने ऑफ सीजन में काफी मजे कर लिए, पर अब काम पे लगने का वक्त आ गया है। हमारा पहला गेम सुल्तान्स के साथ है, और तो और सुना है इस वक्त मिडिल ईस्ट में काफी गर्मी है। हाँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी, हम उन्हें हर बार हराएंगे। बिल्कुल सही कहा जो। ज्यादा बोलने से पहले जरा इस पर नजर डालो। आयरन टैंक सुपर लीग की सबसे फिट टीम मानी जाती है, पर ये हट्टे कट्टे प्लेयर्स भी आज सुल्तान्स का सामना करते वक्त मिडिल ईस्ट की झुलसाने वाली गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब तक सुल्तान्स होम ग्राउंड पर लगातार 15 गेम्स जीत चुके हैं। तुम्हें एक और शानदार जीत की बधाई हो। थैंक्स लीना, आयरन टैंक एक अच्छी टीम है, पर जब बात आती है रेगिस्तान की गर्मी में खेलने की तो हमें कोई नहीं रोक सकता, और हम ये बात अगले हफ्ते सुपर स्ट्राइकर्स को हराकर फिर साबित करेंगे। सुल्तान्स के कैप्टन ने बड़ी बात कह दी है, अब देखते हैं योहान ओबर के इस गेम पर क्या विचार हैं। इसकी तो जैसे हवा ही निकल गई है। मैं तुम सब से मिलूंगा सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में ठीक 9 बजे। हमारे पास सुल्तान से ज्यादा हुनर और काबिलियत है, पर इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर हम 90 मिनट टिक नहीं पाए तो। हम समझ गए कोच। ठीक है कोच। पर 90 मिनट क्यों? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना क्लाउस? ऐसे हालात में खेलने का एक ही तरीका है, बॉल को अपने पास रखना, अपनी एनर्जी बचाना और वार करने के लिए सही वक्त का इंतजार करना। ये लो। ठीक है, अब देखो मेरा कमाल। क्या हुआ कोच, आपको हमारे नए मूव्स अच्छे नहीं लगे? मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, कोई फाइट सीन कोरियोग्राफ करने के लिए नहीं। पर हमारे फैंस चाहेंगे कि हम स्टाइल से खेलें। ये कोई फिल्म नहीं है, तुम्हें वहाँ के मौसम पर भी गौर करना होगा। कोच बिल्कुल सही है दोस्तों, अगर हमने उस गर्मी में ऐसा फैंसी फुटबॉल खेला तो हम 5 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। कुछ लोग शो बिजनेस के लिए बने ही नहीं होते, है ना बॉस? बिल्कुल सच कह रहे हो। हे, तुम कौन हो? मैं हूँ फाइटर का बॉडी डबल, फिल्म वाला। महान फाइटर को कोई जरूरी काम करने थे, इसीलिए उन्होंने मुझे मदद करने काम पर रखा है। और जरा ये भी बता दोगे कि तुम्हारा वो महान फाइटर इस वक्त क्या कर रहा है?
थोड़ा आराम। ओह हे ये सब बेकार है। स्ट्राइक टीम फाइटर का जवाब नहीं, स्ट्राइक टीम फाइटर का जवाब नहीं, स्ट्राइक टीम। वैसे इस गाने में इसके अलावा और भी कई बोल हैं। अच्छा, तभी मुझे गाने में कुछ अजीब लग रहा था। बच के रहना सुल्तान्स, हम आ रहे हैं। कोच, आप मुझे बताएंगे कि हम एक दिन पहले क्यों जा रहे हैं? और सरप्राइज बिगाड़ दूं? ऐसा नहीं होने दूंगा। सुपर स्ट्राइकर्स, आपका स्वागत है शानदार सुल्तान्स के देश में। यहाँ पर तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ सच में, इस बार तो सुल्तान्स टीम को हरा कर ही छोड़ेंगे। यहाँ पर स्ट्राइक टीम फिल्म काफी हिट हुई थी। सच्ची? फिर तो मुझे अपने फैंस के लिए शानदार एंट्री लेनी चाहिए। मेरे दीवानों, तुम्हारा हीरो आ गया है। ये क्या? हम कहाँ हैं? हम अपने सफर का आखिरी हिस्सा जमीन पर तय करेंगे, ताकि तुम सबको गर्मी की आदत हो जाए। और साथ ही मुझे किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। इसका मतलब ना गेम्स, ना फोन्स, और खास करके कोई बॉडी डबल्स भी नहीं। थैंक यू। अलविदा मेरे फाइटर जूनियर। इस रेगिस्तान में मेरे साथ चाहे जो हो जाए, तुम बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, लॉन्ड्री से मेरे कपड़े ले आना। मैं तो पसीने से तर बतर हो गया हूँ। गुड, ऐसे मौसम में बस कुछ दिन और तुम्हें यहाँ की गर्मी की आदत हो जाएगी। लोग। हाँ, मैंने भी ये कहीं पढ़ा था, प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं, तेज धूप से छिपने की जगह नहीं, रास्ता दिखाने वाले साइंस नहीं, फेशियल करवाने के लिए कोई पार्लर नहीं, और साथ ही दिल में डर खूंखार लुटेरों का। हाँ, ये रेगिस्तान तो खतरों का भंडार है। हाँ, स्ट्राइक टीम तो कुछ भी संभाल सकती है ना? भरोसा रखो, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। क्या हम पहुंच गए? नहीं। क्या हम पहुंच गए? नहीं फाइटर। क्या हम पहुंच गए? नहीं। ठीक है, नाराज क्यों होता है? क्या हम पहुंच? नहीं। हम रुक क्यों गए? लुटेरे, यहां पर खतरा है। मैंने कहा था ना। हा, ये सब सिर्फ एक पुरानी अफवाह है बस। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब सच है। हमें फौरन वापस जाना चाहिए। हाँ, वापस चले जाने में ही सबकी भलाई है ना? अगर हम कहीं जाएंगे तो वो सिर्फ गेम खेलने। पर वो आ गए तो वो लुटेरे हैं। यहाँ कोई लुटेरे नहीं है शेख। कोच, लुटेरे कहीं के, इन्हें चुप रहना तो आता ही नहीं है। तुम कौन हो? तुम्हारा फैन, बहुत बड़ा फैन। स्ट्राइक टीम मेरी फेवरेट फिल्म है। खेल खत्म हुआ पर तुम्हारा एक से एक बढ़कर डायलॉग है। तुम हमसे क्या चाहते हो? मैंने सुना तुम यहाँ आए हो और सोचा है क्यों ना एक मैच हो जाए, सुपर स्ट्राइकर्स का मुकाबला रेगिस्तान के लुटेरों से। सुनने में अच्छा है ना? हम भला तुम्हारे साथ मैच क्यों खेले, बताओ? बताता हूँ। इसके लिए कोच। मेरी बातों को भूलना नहीं, अपनी एनर्जी बचाओ
बॉल अपने पास रखो और वार करने के लिए सही वक्त का इंतजार करो। कोई सवाल? हाँ, आपको चक्कर नहीं आ रहे कोच? तुम बस मेरे एनर्जी बचाने वाले गेम प्लान पर चलो। फिक्र मत कीजिए कोच, ये नौसिखिए हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे। हाँ। हम इन्हें दिखा देंगे असली सुपरस्टार्स कैसे खेलते हैं। क्या तुम्हें लगता है रेफरी हमारा साथ देगा? चेहरा देखकर तो नहीं लगता है। क्या कोई जानता है कि उसने अपने साथ डॉगी क्यों रखा हुआ है? उसे देखकर लगता है अगर हमसे एक भी गलती हुई तो रेफरी के बजाय ये डॉगी आकर हमारा बैंड बजाएगा। ठीक है, अब खेलते हैं। अब देखते जाओ मेरा कमाल। मैंने कहा था जोश में मत आना। चलो उन्हें दिखा दे दोस्त। चलो साथियों, अभी उनका एक ही गोल हुआ है। हाँ, कुछ भी हो जाए यहाँ तो जीतेगी सिर्फ स्ट्राइक टीम। ओ मेरे पैर सुन हो गए। गेम खत्म कैसे हो सकता है, 90 मिनट तो हुए ही नहीं है। लगता है कि हो गए फाइटर। सिपाहियों, इन्हें यहाँ से ले जाओ। इससे एक आइडिया आया है, स्ट्राइक टीम 2, गेम ओवर। कमाल है, इसलिए तो मैं राजा हूँ। हमारे खेल में पहुंच गए जेल में, जीने नहीं देते बदबू भरे फाइटर के जूते। ये तेरे गाने से बचकर भागना चाहता है जो। ये बहस करने का वक्त नहीं है। हाँ, हम बुरे फंसे हुए हैं और मैं मानता हूँ इसमें थोड़ी गलती मेरी है, पर यहाँ हमें क्या सबक मिला? यही कि मुश्किल है बिना सोचे समझे अपने होश गवा कर एक्शन एडवेंचर फुटबॉल खेलना रेगिस्तान के बीचों बीच। बिल्कुल सही, तो अगले गेम में हम गर्मी के लिए तैयार रहेंगे। अगर अगला गेम हुआ तो सुनिए मिस्टर पहरेदार। hey, तुम बाहर कैसे निकले? मैं खुद को देखकर इतना खुश कभी नहीं हुआ। हाँ, मैं भी। अच्छा किया दोस्त, कमाल कर दिया। तुम्हारा जवाब नहीं दोस्त। तुम लॉन्ड्री से मेरे कपड़े ले आए? hey, सुनो फाइटर्स, अब चलो भी, हमें गेम खेलने जाना है। ओएसिस पैलेस में मैच का दिन आ गया। सुपर स्ट्राइकर्स और सुल्तान्स के बीच होगा झुलसा देने वाला खेल। इस वक्त तो ये कमेंट्री बॉक्स की गर्मी मुझे झुलसा रही है ब्रेंडा। ये गेम तुम्हारी आजादी के लिए नहीं है, ये उससे भी जरूरी चीज के लिए है, सुपर लीग पॉइंट्स। फिक्र मत कीजिए कोच, मेरे पास एक नया मूव है जिससे हम ये गेम जीत जाएंगे। कोच, मैं मजाक कर रहा हूँ। हम सभी प्लेयर्स ने अपना सबक सीख लिया है। हाँ, फिक्र मत कीजिए कोच, इस बार हम आपके प्लान पर ही चलेंगे। वादा रहा। एक, दो, तीन, सुपर स्ट्राइकर्स। याद रहे दोस्तों, हमें अपनी एनर्जी बचानी है। कोई फायदा नहीं दोस्त,
मैंने अपनी सारी एनर्जी फील्ड पर आने में ही गवा दी। तुमने तो सुना ही होगा, नहीं सह पाओगे गर्मी का वार। अब तुम्हारी होने वाली है हार। मुझे नहीं लगता मैंने कहीं सुना है। और ये मैच शुरू। बॉल स्ट्राइकर्स के पास, रास्ता ने पास दिया टाइगर को। अब क्या वो दिखाएगा अपना तूफानी पैतरा? ये तो एक हवा का झोंका निकला ब्रेंडा। हाँ कहीं और ऐसा करो तो चल जाता है, पर यहाँ सुपर लीग में नहीं। अब हो जाए स्ट्राइकर्स का जादू। हमें सिर्फ प्लान पर चलना है शेख। ठीक है। हार मान लो रास्ता, देर सवेर हम तुम लोगों को धूल चटा ही देंगे। बॉल लगातार सुपर स्ट्राइकर्स के कब्जे में, पर लगता है जैसे वो बात करना ही नहीं चाहते। और यही खत्म हो गया फर्स्ट हाफ और दोनों टीम जीरो पर। बिल्कुल बोरिंग मैच है। कोई स्ट्राइकर से कहो कि टाइम पास बंद करें और अपना जलवा दिखाएं। वैसे कोच अपनी अनोखी स्ट्रेटजीज के लिए मशहूर हैं। कहीं ये भी उनकी कोई स्ट्रेटजी तो नहीं? ये हम जान जाएंगे सेकंड हाफ में। बहुत अच्छे स्ट्राइकर्स, तुम लोग अच्छा खेल रहे हो। लेकिन स्कोर सब भी बराबर है। कहीं आपका इरादा मैच ड्रॉ करवाने का तो नहीं है ना? फिक्र मत करो, ये तो बस मेरे प्लान का पहला हिस्सा था। अब ध्यान से सुनो, तुम सबको सेकंड हाफ में क्या करना है। जैसे ही वो बॉल पास करेगा, तुम में से एक उस पर अटैक करेगा, समझ गए? सेकंड हाफ शुरू हुए काफी देर हो गई है और स्ट्राइकर्स में अब भी जोश से खेलने के आसार नहीं नजर आ रहे। मैंने कहा गर्मी भगाने का ये अच्छा तरीका है ब्रेंडा। अभी रुक जाओ। आखिर तुम्हें किसका इंतजार है सुपर स्ट्राइकर्स? सुल्तान्स ने जोरदार काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। सुल्तान्स वो जोश दिखा रहे हैं जिसके लिए स्ट्राइकर्स मशहूर हैं। क्या बात है, हवा में ऊंची छलांग। इस गोल के साथ सुल्तान से कदम आगे निकल गए हैं। क्या स्ट्राइकर्स इनकी इस बढ़त को पीछे ढकेल पाएंगे या फिर सुल्तान को फिर से जीत जाने देंगे? इसे कोई प्लान कहते हैं? फिक्र मत करो शेख, कोच जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। तभी तो उनकी वजह से हम लुटेरों के हाथ लग गए ना। हम सब जानते हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, बस उन पर भरोसा रखो। और ये बहुत ही अच्छी किक सुल्तान्स की। सुपर स्ट्राइकर्स तो सुल्तान्स को ही हर तरफ भगा रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि अब वो भाग नहीं पा रहे। मुझे लग रहा है सुल्तान्स अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, पर हो सकता है इसके पीछे भी कोई स्ट्रेटेजी हो। स्ट्राइकर्स हो जाए। इसी पद का तो इंतजार था। वाह, अब हमारे पास बाकी है बस कुछ ही मिनट कैप्टन। सुपर स्ट्राइकर्स में तो अचानक जान आ गई है। माहौल किस तरफ जाएगी बताऊंगा ही नहीं तो कैसे जान पाएगा। देखो मेरा कमाल, अच्छा लगा। टाइगर ने बहुत ही अच्छी तरह से चकमा दिया। सुल्तान्स के पास स्ट्राइकर्स के जोश का कोई जवाब नहीं है। और ये शेख की बेहतरीन किक, बॉल सीधे गोल में, एक और गोल। लगता है जैसे वो 90 मिनट के सारे गोल्स अब आखिर के 4 मिनटों में कर रहे हैं। सुपर स्ट्राइकर्स जीत गए हैं, कमाल हो गया। गर्मी भगाने का ये तरीका भी अच्छा है। आपका तो जवाब नहीं कोच। हाँ, जैसा कि आपने कहा था, गेम के आखिर तक हमारी एनर्जी बचाना काम आ गया। मैं अपनी टीम के बगैर ये नहीं कर पाता। थैंक्स कोच। तुम नहीं, वो सब। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तुम लोग एक्शन स्टार्स बनने के चक्कर में मेरी बातें अनसुनी कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा असली एक्शन तुम्हें वापस असली दुनिया में ले आएगा। तो मतलब वो सभी लुटेरे एक्टर्स हैं जिन्होंने मेरी मदद। क्या तुम भी फाइटर जूनियर?
कोच ने मुझे जो रोल ऑफर किया उसमें डायलॉग थे, मैं उसे ठुकरा नहीं पाया। ओ, जरा एक मिनट, रेगिस्तान के बीच बने उस बड़े किले का क्या? वो तो आपने नहीं बनवाया होगा। दरअसल वो तो वहाँ पहले से ही मौजूद था, हमें तो बस हमारी फिल्म की शूटिंग में ब्रेक लेना पड़ा था। हाँ तुम्हें भी रूफस। मतलब रेगिस्तान में हमारा खो जाना, अगवा होकर डरावनी काल कोठरी में कैद होना, ये सब हमें सबक सिखाने के लिए था? लेकिन ये तो यही शो बिजनेस है बच्चू। आज सोकस फेयर में हो रहा है मुकाबला और रायन और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। लगता है आज सभी सोच समझ कर खेल रहे हैं मैच। तुमने सही कहा ब्रेंडा, और ओरायन वाले अपने मशहूर ब्लैक होल फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं मिडफील्ड पर कब्जा बनाए रखने के लिए, लेकिन सुपर स्ट्राइकर्स पर असर नहीं हो रहा है। वो अपने पैंतरे इस्तेमाल कर रहे हैं और डट कर ओरायन वालों का सामना कर रहे हैं। इसे कहते हैं असली खेल। यहाँ पर बॉल को भेजो उस तरफ और फिर मारो किक। 60 मिनट बीत चुके हैं और दोनों बराबरी पर हैं। ये मैच जीतने के लिए किसी खास चीज की जरूरत होगी। हाँ मैक, ओरायन के पास वो खास चीज है, उनके कोच ब्लैक की शक्ल में। वो बहुत ही जल्द एक फुटबॉलिंग जीनियस के नाते मशहूर हो गए हैं। साफ करके वैसे ब्रेंडा, मैंने सुना है कि स्ट्राइकर्स के पास भी अपना फुटबॉल जीनियस है। बस थोड़ा सा ये और थोड़ा सा ये और बस इसकी एक बूंद, और लो मैंने इसे आखिर बना ही लिया। मजा आ गया। अब देखें गेम कैसा चल रहा है। हाँ, मेरे कैलकुलेशन सही थे, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। या? अब वो कहां से आ गया? पर ये तो नामुमकिन है। यकीन नहीं होता। और रायन ने फॉर्मेशन बदल दिया है और मैं नहीं जानता ये क्या है। चलो उन्हें दिखा दो। और रायन ने फिर से शेप बदला। आखिर ये सारे फॉर्मेशंस आ कहां से रहे हैं? मैं नहीं जानता ब्रेंडा। और लग रहा है कि सुपर स्ट्राइकर्स भी नहीं जानते। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये फॉर्मेशन ऐसे ही बन रहे हैं, फॉर्मूला क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टाइगर, तू बीच वाले को संभाल। बीच वाला कौन सा है? वो वाला। अगर मैं ये फॉर्मेशन इस मशीन से एनालाइज करूं तो मुझे इसका ऐसा करूं तो या शायद कोई फायदा नहीं। ओरायन ने बॉल पर पूरी तरह कब्जा कर रखा है। स्ट्राइकर्स को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत ही खूबसूरत हेडिंग। गोल! ओरायन का तो कोई जवाब ही नहीं। तुम्हें कुछ कहना है कैप्टन रास्टर? ओरायन का ऐसा खेल पहली बार देखा। हाँ, थैंक्स। ओरायन के इस शानदार जीत के लिए मुबारक हो कोच ब्लैक। थैंक्स लीना। और अब वो सवाल जो सब पूछना चाहते हैं, आपने वो सारे अजीब से नए फॉर्मेशंस आखिर बनाए कैसे? वैसे मैं तुम्हें बता तो दूं, पर सब कुछ तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा। मुझे तो उसके सर पर बाल्टी भर के पानी डालना है। उस पर ध्यान मत दो फाइटर, अब तक तो प्रोफेसर ने पता लगाना शुरू भी कर दिया होगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। हाँ दोस्त, अगर कोई उस कोड को समझ सकता है, ओरायन कोड को, तो वो है प्रोफेसर। प्रोफेसर तो एक जीनियस है, उनका तो कोई जवाब ही नहीं। दोस्तों, निकाल दिया का क्या मतलब प्रोफेसर? एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन क्यों? जाहिर है अगर मैं ओरायन की सीक्रेट फॉर्मेशंस को समझ नहीं सकता तो मैं इस क्लब के लिए किसी काम का नहीं। यह दुनिया बड़ी बेरहम है। कोई बात नहीं, मैंने काफी खुशी भी देखी है। ओ ये देखो, मेरा दर्द मिटाओ मसल जेल, इसी ने मुझे दिलाया था मेरा पहला सुपर लीग स्पोर्ट्स इनोवेशन अवार्ड। खुद ही बंदरे वाला फुटबॉल बूट,
मैंने पूरी रात जाकर इसे बनाया था। और ये क्या चीज है प्रोफेसर? एक छोटा कंप्यूटर, एक जीपीएस स्वेट बैंड? ये मेरा स्टेपलर है। अरे वही, एक स्टेपलर पेपर के लिए, क्लिक क्लिक। वो क्या क्या चीजें बनाई गई हैं? ये पागलपन है, आप जीनियस हैं। और उन्होंने आपको एक खराब गेम की वजह से निकाल दिया। हम कैसे तोड़ पाएंगे आपके बिना उस ओरायन कोड को? थैंक यू शेख, पर यहाँ तुम्हारे फैसले नहीं चलते। हाँ, मुझे तो बस खेलना है, लेकिन अब मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा। मैं सोऊंगा। क्या हुआ? कोच, आखिर आपने इस तरह उन्हें प्रोफेसर को निकालने कैसे दिया? माफ करना, मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। पर हमें उनकी जरूरत है। क्या ये बात मैं नहीं जानता? मुझे ओरायन के फॉर्मेशंस को समझने में उनकी काफी मदद मिल जाती है। हाँ? मैंने ये फॉर्मेशंस पहले कभी नहीं देखे। मैंने भी नहीं। इसमें कोई पैटर्न जरूर होगा, ऐसा कुछ जो इन्हें एक साथ जोड़ता हो। और हमें ओरायन के साथ होने वाले अगले गेम से पहले पता लगाना होगा। और नहीं लगाया तो फिर हमारी हार तय है। ओरायन से हारने के बाद सुपर स्ट्राइकर्स ऐसे खेल रहे हैं जैसे उन्हें कुछ साबित करना हो। सही कहा मैट, हाइड्रो के पास भले ही तैरता हुआ स्टेडियम हो, पर वो इस वक्त डूब रहे हैं। ब्रेंडा, ये मेरा जोक था, हाइड्रो मिला नहीं पा रहे हैं। कदम से कदम, और सुपर स्ट्राइकर्स तो एक एक गोल करके हाइड्रो को डुबा रहे हैं। ब्रेंडा, मेरे नोट्स पढ़ना बंद करो। बहुत अच्छे शेख। और सुपर स्ट्राइकर्स गोल पर गोल करते जा रहे हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, क्या बात है। दे ताली। बहुत अच्छे दोस्तों, इसे कहते हैं अपना जलवा दिखाना। तूने सही कहा राष्ट्रा, हम एक हार को हमारी अगली जीत के रास्ते में कभी नहीं आने देते। अब उम्मीद है सब भूल जाएंगे उस ओरायन कोड को और फिर से हमारी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देंगे। तो सुपर स्ट्राइकर्स, क्या तुम उस सवाल के लिए तैयार हो जो हर किसी के मन में है? हाँ बिल्कुल लीना। तुम प्रोफेसर के बिना उस ओरायन कोड का तोड़ कैसे ढूंढने वाले हो? हम रास्ता निकाल लेंगे। कोई ना कोई कोई रास्ता निकला है। इस वक्त हमारे लिए कुछ भी बताना मुश्किल है। अरे क्या तुम हमसे आज के गेम के बारे में नहीं पूछने वाली जिसमें हम जीते, वो भी अभी 30 सेकंड पहले? हाँ बिल्कुल। तुम्हें लगता है इस गेम से तुम्हें ओरायन और ओरायन कोड के लिए तैयार होने में मदद मिली है? ये है हमारा जवाब मैडम। सुपर लीग पर एक नई धुन सवार हो गई है और उसका नाम है ओरायन कोड। आयरन टैंक एडमिरल वॉन पुशअप से लेकर इनविंसिबल यूनाइटेड के बिग विंस तक लीग के सभी स्ट्रेटजीज बनाने वाले बस लगे पड़े हैं इन नए फॉर्मेशंस के पीछे के राज को जानने में। हम सारा दिन ट्रेनिंग करेंगे। हा? ये ओरायन कोड और कुछ नहीं, बस एक घटिया सी गंदी चाल है। मेरे दिमाग में वो बात क्यों नहीं आई? हम पूरी रात ट्रेनिंग करेंगे। अगर कोई मुझे ओरायन कोड का राज पता करके देगा तो मैं उसे दूंगा $10,00,000। अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो पैसे मैं लगाऊंगा। हम पूरा हफ्ता ट्रेनिंग करेंगे। मुझे यकीन है वो ओरायन कोड इस पुरानी टीम फोटो में छिपा है। पहले उनके मोजों पर बनी धारियों को ऐड करना है, फिर उसे हेडबैंड्स पहने हुए खिलाड़ियों की संख्या से मल्टीप्लाई करना है, फिर मूंछों वाले खिलाड़ियों की संख्या को उस संख्या से माइनस करना है। सही है। हम पूरा साल ट्रेनिंग करेंगे। मैंने आज तक इतनी घटिया बातें नहीं सुनी। ये ओरायन कोड तो एक सिरदर्द बन गया है दोस्तों। कम से कम इन टीम्स के पास कोई प्लान तो है दोस्तों। हमारे पास भी है। मैंने इस सीजन में ओरायन के इस्तेमाल किए हर फॉर्मेशन को दर्ज किया है। सारे ओरायन मूव्स को? हर एक मूव को, और हम उन्हें सीखने वाले हैं। सबके सब? ये तो बहुत सारे मूव्स हैं कोच। और ये रहे बाकी के मूव्स। लेकिन हमारा गेम कल है कोच,
तो फिर जल्दी से पढ़ना शुरू करो। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानता हूँ ये बोरिंग है शेख, पर यही एक रास्ता है। पर पूरी सुपर लीग वाले महीनों से ओरायन कोड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कुछ ही घंटों में उसका तोड़ कैसे ढूंढेंगे? हाँ, कोई बड़ा सुपर जीनियस ही गेम से पहले ओरायन कोड को तोड़ सकता है। और मुझे पता है कि वो हमें कहाँ मिलेगा। हेलो प्रोफेसर, क्या आप अंदर हैं? पुराने पिज्जा में पुराना मूसा, बाप रे! प्रोफेसर, मेरे ख्याल से वो यहां नहीं है। यो शेख, मैं तो यहाँ हूँ, और बताओ क्या हाल है? प्रोफेसर, यहाँ हो क्या रहा है? मैं तो बस अपना फेवरेट रियलिटी शो सुपर लीग का घर देख रहा हूँ। कमाल का है ना? सुपर लीग के घर? हाँ, पता है शेख, जो का पहाड़ियों पर एक बड़ा सा घर है। कमाल है ना? तो आपने ओरायन कोड को समझने का काम पूरी तरह से बंद कर दिया है? मैं काफी सारे प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बिजी था। जैसे सारे पिज्जास को गायब करना? इस ऑटोमेटिक रिक्लाइनिंग लेजी मैन कुर्सी पर काम किया। देखो, मैंने इसमें ये कमाल का फीचर डाला है, है ना? अरे प्रोफेसर, अभी भी इस पर थोड़ा काम करना बाकी है। कम ऑन प्रोफेसर, ये आप नहीं है। आप जैसा अकलमंद पूरे सुपर लीग में कोई नहीं हो सकता। उस ओरायन कोड का तोड़ कहीं ना कहीं जरूर है। अब क्या आप अपनी बाकी की जिंदगी पिज्जा के पुराने डिब्बों के नीचे बिताएंगे, या फिर आप वो इंसान बनेंगे? नहीं, वो हीरो जो ओरायन कोड का तोड़ ढूंढने में कामयाब हुआ। ना। स्ट्राइक अलैंड में शाम हो गई है, और पूरी दुनिया में अब भी ओरायन कोड के रहस्य को लेकर अंधेरा ही छाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, वक्त आ गया है, ओरायन कोड का डर अपने दिल से निकाल दो। हाँ, और साथ ही प्रोफेसर को भी भूल जाओ, क्योंकि अब वो पिज्जा में खो गए हैं। हमने बहुत मेहनत की है और हमने सारे फॉर्मेशन सीख लिए हैं। तुम्हें वाकई लगता है हम जीत सकते हैं कैप्टन? हम चाहे जीते या फिर हारे, हम वहाँ जाएंगे और ओरायन को दिखा देंगे कि सुपर स्ट्राइकर्स का कॉन्फिडेंस एक कोड से नहीं टूटने वाला है। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। मैच शुरू हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स अच्छी तरह से ओरायन के अजीब फॉर्मेशंस का सामना कर रहे हैं। पर कोच ब्लैक द्वारा लगातार दिए जाने वाले फॉर्मेशंस के साथ क्या वो ज्यादा देर तक टिक पाएंगे? फॉर्मेशन 3, अपनी पोजीशंस लो। ये तो काम कर रहा है। तुम्हें वाकई लगता है तुम कोड समझ गए हो? अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा है बच्चू। ओके, आप सबने देखा मेरा मैंशन, मेरा अंडरग्राउंड डांस स्टूडियो, और मेरे बालों के शेप में बना मेरा स्विमिंग पूल। तुम्हारा जवाब नहीं जो, पर मेरा असली घर तो यहाँ है, क्योंकि मैं चाहे दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ या चाहे कितनी भी कार खरीद लूँ, ये वो जगह है जहाँ मेरे भाई है। कैप्टन, अब ये कौन सा फॉर्मेशन है? कुछ पता नहीं, ये तो बिल्कुल नया फॉर्मेशन है। अरे यार, वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? और ये बढ़िया किक। नहीं नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं, मैं नहीं कर सकता, कोई पैटर्न नहीं है, वो सभी ऐसे ही बने हुए हैं।
सॉरी शेख, अगर उस ओरायन कोड का कोई तोड़ है भी तब भी मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। अब चलो आराम किया जाए। चक्कर के मारे तो मुझे तारे नजर आ रहे हैं। अरे क्या ऐसा हो सकता है? शेख तुम्हारा जवाब नहीं, जवाब मिल गया। मुझे इसी वक्त स्ट्राइकर लाइन जाना होगा। हाफ टाइम और सुपर स्ट्राइकर्स का एक भी गोल नहीं। क्या कोच के खिलाड़ी ओरायन कोड को तोड़ पाएंगे या फिर वो उसके आगे घुटने टेक देंगे? जो भी हो ब्रेंडा, सेकंड हाफ में काफी धमाल होने वाला है। कोच कोई ना कोई प्लान बना ही लेंगे, है ना? हमेशा बनाते हैं। मान जाओ दोस्तों, हम ओरायन कोड को कभी नहीं तोड़ सकते बिना। प्रोफेसर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम सही थे शेख, उस ओरायन कोड का तोड़ बाहर ही है, मतलब बाहर ऊपर स्पेस में। मुझे तो लगता है प्रोफेसर का दिमाग बाहर निकल गया है। तुम समझे नहीं, उनके सभी सीक्रेट फॉर्मेशंस स्टार कॉन्स्टेलेशंस पर आधारित है, जैसे उनका नाम ओरायन, ओरायन्स बेल्ट, स्कॉर्पियो, द सदर्न क्रॉस। स्टार्स? वाओ, क्या सोचा है प्रोफेसर? बहुत दूर का सोचा है। तो और कितने कॉन्स्टेलेशंस बाकी हैं? करीब 50 या 60। 60? हम वो सब कैसे सीखेंगे सिर्फ 10 मिनट में? हम सभी थोड़े थोड़े सीखेंगे, मिलकर कर ही लेंगे। हम ये कर सकते हैं, है ना? सेकंड हाफ शुरू हो गया है और अगर मैं गलती नहीं कर रही तो स्ट्राइकर्स के यहाँ पर एक जाना पहचाना चेहरा नजर आ रहा है। पर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, स्ट्राइकर्स समझ ही नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना है। ये स्कॉर्पियो है, दाई तरफ ध्यान देना। ओरायन टीम बड़े जोश के साथ आगे बढ़ते हुए। बढ़िया पास। और ये जोक अटैक। ओह, ये क्या हो गया? और स्ट्राइकर्स ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। वो जोश में आ गए हैं। फाइटर की बढ़िया हेडिंग। वो गोल है। मैं देख सकता हूँ, अंधा नहीं हूँ मैं। नहीं बुद्धू, तुम्हारा क्रॉसवर्ड, कई खेलों में स्कोर करने का तरीका, गोल। 27। ये टॉरस है। समझ गया। 13 जर्मनोय। ये तो कमाल हो गया, स्ट्राइकर्स के पास ओरायन के हर एक फॉर्मेशन का जवाब है। नेक्स्ट। तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं, तुम्हारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैंने कहा था। दोनों टीम के खिलाड़ियों में काफी जोश दिखाई देता हुआ। 32, ये मेरा वाला है, पर उसका नाम क्या है? ये मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं शेख मेरे दोस्त, ये सारे कॉन्स्टेलेशन के नाम मेरे भी सर के ऊपर से जाते हैं। फाइटर मिल गया। वो आखिर किसे देख रहा है? जवाब को। रास्ता जो सुनो वो है लियो। वो स्ट्राइकर्स की एक और बेहतरीन चाल। येलो शेख, दिखाओ अपना कमाल। और शेख की बेहतरीन किक। सुपर स्ट्राइकर्स ने ओरायन कोड को तोड़ दिया है और वो भी स्टाइल से। प्रोफेसर आपने कर दिखाया। थैंक यू शेख। इसमें कोई शक नहीं कि स्ट्राइकर्स की इस जीत के पीछे किसका हाथ है, आपका जवाब नहीं प्रोफेसर। अब क्या बात है प्रोफेसर? हाँ बताइए ना, हमारी जीत हुई है प्रोफेसर, ये उदास होने का वक्त नहीं है। तुम सही हो, मैं ये सब मिस करूंगा। आप कुछ मिस नहीं करेंगे। तुम कैसे कह सकते हो? ओ रुको, तुम्हारा मतलब? मैंने अभी बोर्ड से बात की। सुपर स्ट्राइकर्स में आपका फिर से स्वागत है। तो वो आप ही हैं जिसने मेरा कोट तोड़ा है? वो मैं ही हूँ।
ऐसा काबिल विरोधी पाना मेरी खुशकिस्मती है। पर ये यूनिवर्स एक बड़ी ही अजीब और उलझी हुई जगह है। एक दिन मैं ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढूंगा कि आप भी उसका जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। सपने मत देखिए ब्लैक। हाँ, बिल्कुल सही कहा शेख। प्रोफेसर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ओह नो, मैं एक बात तो भूल ही गया, मैं लैब में अवन को ऑन रखकर आ गया था। अब हम खाएंगे जला हुआ काला पिज्जा। वैसे वो मोजे वाले पिज्जा से तो अच्छा ही होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे जाने दो।